अभी बच्चों हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना। हमने ये देखा कि यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है, उसका आकार भी बदल जाता है और उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। और इस प्रकार इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम देखें तो कुछ राशियाँ यहाँ पर कॉन्स्टेंट थी और कुछ राशियाँ बदल रही थी। जैसे कि हम देखें फोकस दूरी या फिर दर्पण की त्रिज्या या वस्तु की हाइट, ये एक नियत राशि है। ये डिपेंड करती है कि मिरर कैसा है और आपने वस्तु कैसा लिया है। एक बार आपने जो मिरर ले लिया उसकी फोकस दूरी उतनी ही रहेगी, उसकी त्रिज्या उतनी रहेगी और वस्तु आपने जैसा लिया है उसका आकार भी यानी कि उसकी हाइट भी उतनी ही रहेगी। तो ये तीनों राशियों को हम अचर राशि कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज़ जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के आधार पर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ हैं जैसे कि वस्तु की दूरी इस दर्पण से, ये भी हम बार बार बदल रहे थे और उसके आधार पर प्रतिबिंब की भी दूरी इस दर्पण से चेंज हो रही थी। वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी, सारी दूरियाँ इस दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो वस्तु की दूरी इस ध्रुव से यानी कि यू, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से यानी कि वी, ये दोनों चर राशि कहलाएंगी यानी कि वेरिएबल्स क्वांटिटीज। और वैसे ही हम देखें कि इमेज की यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो भी डिफर कर रही थी। कभी हम देख रहे थे कि बिंदु आकार का था, कभी वस्तु के बराबर था, कभी वस्तु से बड़ा बन रहा था। इस प्रकार यू, वी और आई यहाँ पर चर राशियाँ कहलाती हैं यानी कि वेरिएबल क्वांटिटीज। अब इन सभी राशियों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करते हैं और ये संबंध एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। और जो फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में जो संबंध है ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए ही एक जैसा ही है, मतलब ये संबंध दोनों पर ही लागू होता है। फिलहाल हम फोकस दूरी F और दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R के बीच में संबंध स्थापित करेंगे अवतल दर्पण के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण का केंद्र C से दर्शाया जा रहा है यानी कि इस अवतल दर्पण की त्रिज्या आर है। इस अवतल दर्पण का फोकस मान लीजिए एफ है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल लेटर एफ से दर्शाई जाएगी। अब हम अनंत पे या बहुत दूर पर एक वस्तु कंसिडर कर रहे हैं और उस वस्तु से एक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ये किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है जब इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो यहाँ पर इस किरण का परावर्तन होगा और यह परावर्तन की घटना परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। हमने प्रकाश का परावर्तन जब इस अवतल दर्पण से देखा था तो हमने ये जाना था कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो इस दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाती है। मान लीजिए फोकस से गुजर गई और इस पूरी घटना में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। तो सबसे पहले हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे और हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या उसकी परिधि पर लंबवत होती है। इसीलिए हम यहाँ पर C से लेकर एक रेखा खींचेंगे जो कि इस दर्पण को इस बिंदु पर टच कर रहा होगा और यही इस बिंदु के लिए यानी कि आपतन बिंदु के लिए अभिलंब का कार्य करेगा। और इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर बनेगा आपतन कोण आई और ये जो किरण टकराकर वापस आ रही है ये परावर्तित किरण है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण, इसलिए यहाँ पर हम बनाएंगे आर। और इस चित्र अनुसार हम देखें तो परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर आर होगा। अतः
एंगल एबीसी बराबर एंगल सीबीएफ, ये परावर्तन के नियम से है। इसे हम समीकरण एक दे देते हैं। चूंकि एबी मुख्य अक्ष सीपी के समानांतर है, यानी कि एबी पैरेलल है सीपी के और बीसी उन्हें काटती है, इसलिए एंगल एबीसी बराबर एंगल बीसीएफ होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसे हम समीकरण दो दे देते हैं। अब त्रिभुज सीबीएफ में समीकरण एक और दो से एंगल बीसीएफ बराबर एंगल सीबीएफ होगा, अतः सीएफ बराबर बीएफ होगा, क्योंकि ये दोनों समान कोण की सामने वाली भुजाएं हैं और जब दो कोण समान होंगे तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। यदि बिंदु B दर्पण के ध्रुव P के अत्यंत समीप हो और दर्पण की वक्रता कम हो तो BF बराबर PF लिख सकते हैं। इसे हम समीकरण चार दे देते हैं। अतः समीकरण तीन और चार से CF बराबर PF होगा। और चित्र से हम देखें तो PC बराबर CF प्लस PF है, परंतु इक्वेशन फाइव से हम देखें तो CF बराबर PF है और इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस PF, यानी PC बराबर 2PF और PF बराबर हो जाएगा PC अपॉन 2। PF इस दर्पण की फोकस दूरी है जबकि PC इस दर्पण की त्रिज्या है, तो हम लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, अतः F बराबर R अपॉन 2। अतः किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और यह संबंध उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है। यह संबंध अधिक वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकटतम बिंदुओं के लिए ही मान्य है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है और यही संबंध है फोकस दूरी और दर्पण की त्रिज्या में। ऐसे ही वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और साथ साथ फोकस दूरी में भी एक संबंध है, यानी कि U, V और F में भी संबंध है। और इस सूत्र को हम एक विशेष समीकरण यानी कि इक्वेशन के द्वारा दर्शाते हैं और इस इक्वेशन को हम कहते हैं दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम का योग उस दर्पण की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और ये दर्पण सूत्र दोनों ही दर्पण के लिए लागू होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। लेकिन हम जब इसके आधार पर न्यूमेरिकल प्रश्न सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी पहले भी बताई थी, तो यदि इस मिरर फॉर्मूले में हम चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करें तो अवतल दर्पण के लिए देखें तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक होगी। वैसे वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होती है क्योंकि हम हमेशा दर्पण को राइट हैंड साइड रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था, और वस्तु को लेफ्ट हैंड साइड। तो जो भी किरणें आती हैं वो वस्तु से दर्पण पर आपतित हो रही हैं और हम किसी भी दूरी को ध्रुव से नापते हैं, तो जब हम वस्तु की दूरी को ध्रुव से नापेंगे तो वो सदैव ही ऋणात्मक होगी, चाहे आप उत्तल दर्पण की बात करें चाहे आप अवतल दर्पण की बात करें। लेकिन हम फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि हम देखेंगे कि ये दर्पण के चमकदार सतह के सामने है फोकस दूरी, यानी कि ये आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापन किया जा रहा है, इसीलिए फोकस दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए U और F तो नेगेटिव हुए। अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। हम जानते हैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो किरणों के एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण फॉर्म होता है, इसीलिए वो दर्पण के सामने बनता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम V लिखेंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार V भी ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के पीछे बनता है और इस स्थिति में हम देखें तो V का मान धनात्मक होगा।
इसी तरह से यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यू का मान तो जैसे मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव ही होगा, पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होगी, क्योंकि यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका फोकस हमेशा दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होगी। और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बैक साइड ही बनेगा, पीछे ही बनेगा। इसलिए जब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ पर V हमेशा धनात्मक ही होगा। तो इस प्रकार जब हम मिरर सूत्र को आंकिक प्रश्न के लिए यूज करते हैं तो इन चिन्ह परिपाटियों का इस्तेमाल करते हैं। यदि इन चिन्ह परिपाटियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो प्लस माइनस में गड़बड़ी के कारण आपका आंकिक प्रश्न का हल गलत हो जाएगा। तो बच्चों सावधानी से चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हुए इस मिरर सूत्र को यूज करके आप आंकिक प्रश्न को हल करिए। प्रतिबिंब निर्माण में बच्चों हमने देखा कि प्रतिबिंब कभी बड़ा बन रहा था, कभी छोटा बन रहा था। इसका मतलब यदि हम उसको वस्तु की लंबाई से तुलना करें तो कभी उसकी लंबाई अधिक थी, कभी उसकी लंबाई कम थी। और इसी तुलना को ही हम नाम देते हैं आवर्धन का, यानी कि मैग्निफिकेशन। और इस आधार पर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम आई से दर्शाते हैं, अपॉन वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम एच से दर्शाते हैं। ऊंचाई यानी वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसे हम आई और एच से दर्शा रहे हैं। यदि हम मैग्निफिकेशन को स्मॉल लेटर m से दर्शाते हैं तो m बराबर होता है i अपॉन h। और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की लंबाई उससे दूरी पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने बताया था, दूर रखी वस्तु हमको छोटी नज़र आती है, जबकि वही वस्तु जब हमारे पास आ जाती है तो उसका आकार हमको बड़ा प्रतीत होता है। और इसी आधार पर हम यहाँ पर वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई ना लिखकर दूरी के आधार पर भी आवर्धन सूत्र लिख सकते हैं। आवर्धन m बराबर होता है माइनस v अपॉन u, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण के ध्रुव से और u वस्तु की दूरी है दर्पण के ध्रुव से। तो इस प्रकार m बराबर होगा i अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो, उस कंडीशन में I बराबर h होगा। और इस सूत्र अनुसार हम देखें तो I अपॉन h बराबर 1 होगा, यानी कि m बराबर 1 होगा। तो ऐसी स्थिति में दर्पण की आवर्धन क्षमता इकाई होती है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक है, यानी कि I अपॉन h का मान 1 से अधिक है, उस समय दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान भी 1 से अधिक होगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार छोटा बन रहा है वस्तु की तुलना में, उस कंडीशन में I अपॉन h का मान 1 से कम होगा और इसीलिए इसकी आवर्धन क्षमता का मान भी 1 से कम होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवर्धन क्षमता का मान या तो इकाई होगा, या तो एक से अधिक भी हो सकता है, या तो एक से कम भी हो सकता है। और बच्चों ये आवर्धन क्षमता का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये डिपेंड कर रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यदि हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार यदि हम लोग हाइट मुख्य अक्ष के ऊपर नापते हैं तो उसे धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे नापते हैं तो उसे ऋणात्मक लेते हैं। इस कंडीशन में दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हमने देखा कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को हम धनात्मक लेते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब के कंडीशन में दर्पण का आवर्धन धनात्मक होता है। तो इस प्रकार हम आवर्धन ऋणात्मक या धनात्मक है इसको देखकर ही पहचान जाते हैं कि वहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा। तो बच्चों इस मिरर फॉर्मूला और इस आवर्धन के फॉर्मूले के आधार पर चलो एक आंकिक प्रश्न बनाते हैं।
उदाहरण एक, 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली उत्तल दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ प्रश्न में हमें बताया गया है कि यदि गोली उत्तल दर्पण हम MM' लें और वस्तु जो है AB, प्रश्नानुसार MM' एक गोली उत्तल दर्पण है और दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित AB वस्तु है। इस वस्तु से आपतित किरण दर्पण पर जो हमें दिखाई दे रही है वह मुख्य अक्ष के समानांतर है। इस आपतित किरण के लिए यह परावर्तित किरण है और AB वस्तु से एक आपतित किरण जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है उसी दिशा में उसमें परावर्तन भी दिखाई दे रहा है। जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह दर्पण का फोकस है। इसी प्रकार यह जब इस परावर्तित किरण को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें यह सी प्राप्त हो रहा है और इस बिंदु पर इस परावर्तित किरण को बढ़ाने पर जो लाइन है और यहाँ पर जो लाइन है उसका प्रतिच्छेद बिंदु दिखाई दे रहा है। यहीं पर हमें इस AB वस्तु की इमेज A'B' यानी कि प्रतिबिंब AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है A'B' वो हमें दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न में कहा गया है कि गोली उत्तल दर्पण से जो वस्तु की दूरी है यानी कि u बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करें तो ये हमें लेना होगा -10 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके अलावा हमें बताया गया है कि जो फोकस दूरी है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो जब हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो ये फोकस दूरी हमें कितनी लेनी होगी, धनात्मक में 15 सेंटीमीटर। चूंकि हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, दर्पण के सूत्र का यानी फोकस दूरी ज्ञात करने वाले सूत्र का। तो हम जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है हमारे पास जिससे हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, 1/f बराबर 1/u धन 1/v। यहां f और u का मान रखने पर चलिए f का मान कितना है 15 सेंटीमीटर जो कि धनात्मक में हमने लिया है और u का मान है -10 सेंटीमीटर। v का मान हमें ज्ञात करना है, इसे हल कर ले तो पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 1/v बराबर 1/15 धन 1/10। इसे आगे हल करते हैं, हम देखेंगे कि 1/v बराबर हमें क्या मिलेगा, हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लें हर का तो यहां पर आ जाएगा 30 और फिर हल करने पर प्राप्त होगा 2/3 यानी कि 1/v का जो मान होगा वो हो जाएगा 5/30 और इसे हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/6। तो हमें v का कितना मान प्राप्त हुआ, v बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे हल करते हैं, v का मान हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो गई है। अब हमें प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है, इसके लिए हम गोली उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। इसका रेखीय आवर्धन m बराबर कितना होता है, m बराबर हम लिखेंगे -v/u। अब v का मान हमारे पास है और u भी है तो इनके मान को रख दें तो -6/u का मान हमने लिया है, प्रश्न में दिया गया है 10 और वह ऋणात्मक लिया है हमने तो यह हुआ -10। m का मान हमें क्या मिलेगा,
6/10, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.6। अब हम इसके लिए निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पे हम बात कर सकते हैं कि गोली उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से छः सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि हमें V कितना मिला है, 6 सेंटीमीटर। साथ ही V का मान धनात्मक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। धनात्मक मान जो है वो क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, आभासी। इसका धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है। चलिए आगे हल करते हैं। V के मान से हमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पता चली है। अब चूंकि हमारे पास M का मान आया है 0.6, तो हम वस्तु की प्रकृति और आकार के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि M का मान जो है धनात्मक है, धनात्मक व एक से छोटा है। छोटा मान जो है किस बारे में इंगित कर रहा है, हमें वह यह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा और वस्तु से छोटा होगा। छोटा होने को दर्शाता है। इस प्रकार हमें वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार पता चले। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।